अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोपहर का टाइम हो रहा है तो हम बनाने लगे थे आज दोपहर में। अम्मी का दिल कर रहा था खिचड़ी बनाने का, तो अम्मी खिचड़ी बनाने लगी है। तो देखे डक 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 शुरू हो गई है, स्पिनर ऑन हुआ है, मेरा एक काउंटर निकल गया, पता नहीं क्या ऑन हो गया। तो अम्मी आ चुकी हैं, वो देखें। तो अभी हम खिचड़ी बनाने लगे थे दोपहर के टाइम। इधर अम्मी आ जाओ, इधर लाइट सही आएगी। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अम्मी ठीक है। तो आज संडे वाला दिन है तो मैरा कह रही थी अम्मी खिचड़ी बनाओ, तो मैंने कहा चलो खिचड़ी बना लेते हैं, साथ बनाएंगे पुदीने की चटनी और जिसने खानी है वो आ जाए। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, किचन में अभी बनाऊंगी मैं खिचड़ी। और मायरा आ चुकी है वापस। और वैसे ही मेरा कितने दिनों से दिल कर रहा था खिचड़ी खाने का, ये लड़का मुझे बनाने नहीं देता खिचड़ी। मैं नहीं खाता कि ये खिचड़ी नहीं खाता, और मैंने आज बना ली। मैंने कहा भाई तू कुछ भी खा ले पर मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी। और अम्मी जी, तो अम्मी आप अपने न्यू सब्सक्राइबर से थैंक यू बोल दे जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया। हाँ, मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ काशिफ और अमीना का बेटा, बहुत बहुत थैंक यू। और आप ऐसे ही हमारी हेल्प करते रहे और खुदावंद आपकी करेगा, क्योंकि हम ऐसे ही एक दूसरे का साथ देंगे। और मैं बहुत खुश हूँ काशिफ और अमीना से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी और बहुत उन्होंने मतलब हमें प्यार से बिठाया और हमारे चैनल को मतलब ऐसे प्रमोट किया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत दिल से दुआएं देती हूँ उन दोनों मियाँ बीवी को। और काशिफ मुझे वैसे ही वीडियो में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बेटे बड़ा बेटा जो है ना, सेम उसकी आदत और उसकी आदत मिलती है, वो मुझे बहुत, वो मेरे बच्चों की तरह है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बेटा माँ की तरफ से तुम्हें दिल से दुआ है और खुदावंद तुम्हें बहुत दे और बहुत खुश रखे। और जिन्होंने हमारे को सब्सक्राइब किया, सबसे ज्यादा उनको थैंक यू बोलते हैं हम कि आप हमारे चैनल पे आए, आपने सब्सक्राइब किया। मैं वेलकम करती हूँ सबका, मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, दिल से उनको भी दुआएं देती हूँ जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, उनके कहने पर किया। तो मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। जो बच्चे मेरे न्यू आए हैं तो मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बेटा आप आगे से आगे मेरे चैनल को लेके जाओ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। आप हमारे चैनल को जो है आगे लेके जाए, आपने इतना हमारा साथ दिया, आगे भी आप हमें उम्मीद है कि हमारा साथ देंगे और हम आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो अभी हम किचन में जा रहे हैं। तो ये देखें, मैंने खिचड़ी के लिए जो है ना सामान सारा अलग करके रखा है। ये पुदीना, धनिया, दही, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, चटनी मुझे डोनल बना के देगा, क्योंकि डोनल चटनी बहुत मज़े की बनाता है, बहुत यम्मी चटनी बनाता है। तो मैंने, और चटनी जब बनाता है ना टमाटर पता चलता है बीच में, ना पता चलता है कि बीच में प्याज है। तो डोनल चटनी बनाएगा, मैं बनाऊंगी खिचड़ी और मेरा पीछे खड़ी होके मुस्कुरा रही है बस। अभी आपको मिलवाते हैं थोड़ी देर बाद मायरा से भी। मायरा क्योंकि अभी कपड़े वॉश कर रही है, तो अभी जैसे ही मायरा अपना काम खत्म करती है तो आपको मायरा से भी। तो आज गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि देखिए हमारी गैस भी आ रही है, अब हमारी गैस भी सही हो गई। गैस भी हमारी जो है ना वो सही आती है, अब इस टाइम आती है 3 बजे सुबह नाश्ते के टाइम। मैं वो जलाने लगी थी लकड़ियाँ पर मायरा ने मुझे बोला अम्मी नहीं जलाओ, 3 बजे तक वेट करो आप, लाइट आ जाए और गैस आ जाएगी। तो मैंने 3 बजे तक वेट किया, तो अभी मैं खाना शुरू कर रही हूँ। खिचड़ी बनना हो चुकी है रेडी। अभी कर रही हूँ मैं प्याज ब्राउन, और जैसे प्याज ब्राउन दाल हमने कल की भी धोई हुई थी ना, परसों की दाल भिगी हुई थी वो फ्रिज में रखी थी हमने, क्योंकि परसों बनाए थे हमने चने की दाल और चावल, और दाल ज़्यादा थी तो मैंने कहा खिचड़ी बना लेंगे उसकी, पर डोनल ने मुझे बनाने नहीं दी और आज मुझे मौका मिल गया तो मैंने कहा क्यों ना आज ही बना ले। दाल मैंने फ्रिज में रख ली, ये चने और चने नीचे वालों के ये दाल अभी बनाएंगे। यही अभी तड़के वाली खिचड़ी और ये अभी चटनी बनाएगा डोनल्ड, और मैं अभी ये खिचड़ी रखे फिर डोनल्ड चटनी बना लेगा और साथ चाय तो शाम में बनाएंगे। और इधर हो रहा है लेवी का खाना, लेवी का खाना भी तैयार कर रही हूँ और मेरा धो रही है कपड़े। देखिए अम्मी उधर बातों में लग गई थी और अम्मी ने सारा प्याज जो है ना जला दिया अंदर। ये जलाया नहीं है बेटा, ये डार्क ब्राउन हुआ है, डार्क ब्राउन जिसे कहते हैं ना, ये वो हो गया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना प्याज जला हुआ था या डार्क ब्राउन था। जला हुआ साफ नजर आ रहा है,
जला हुआ ऐसा थोड़ी होता है, ब्राउन हो गया। अभी कपड़े मशीन भी लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं, तो सैली बैठी हुई है ऐसे जैसे सैली धो रही है। और ये पानी भी डाल दिया अम्मी ने, अब नमक डाल दिया अम्मी, अभी नमक डाल डालूंगी ना, साथ ही पानी डाल, यही रख, ये बोतल में ही रख दूँ, यही इधर ही रहने दो। अभी ये दाल वैसे वॉश ही थी हमारी, क्योंकि वॉश करके भिगो के रखी थी पानी निकाल के, अभी एक दफ़ा फिर मैं कर रही हूँ ताकि डल गई पूरी दाल। हमारी खिचड़ी पक्के हो चुके है रेडी, ये देखिए खिचड़ी हो चुकी है तैयार और अभी हम खाने लगे हैं खाना। और ये चटनी भी हमारी दही के, ये जो रायता है इसने चटनी बनाई है, चटनी है सारा मिक्स किया है डोनल ने, टमाटर वगैरह और सब कुछ मिक्स करके डोनल ने बनाई है। और चटनी भी चेक करती हूँ, चटनी भी बहुत मज़े की है और चावल भी, खिचड़ी भी बहुत, और चने के दाल की वैसे भी मुझे खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। अभी हम खाने लगे हैं खाना और जिस जिसने खाना है वो आ जाए और मेरे साथ खिचड़ी शेयर करे, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और कल मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी सुबह के साथ और अच्छी सी वीडियो के साथ। कल तक दुआ में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।